यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट जॉब अपडेट डिस्कस करने जा रहे हैं। जॉब अपडेट की बात करेंगे। आप 10th पास हो, आप 12th पास हो, आपने डिग्री वगैरह करी है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। एग्जामिनेशन सेंटर आपका जम्मू में रहने वाला है, तो वो भी डिस्कस कर लेंगे। उससे पहले शॉर्ट में JKP बॉर्डर बटालियन की अगर हम यहाँ पर बात कर लेंगे, तो कल का केस एक सामने आ रहा है, न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया, दो न्यूज़पेपर में, जहाँ पर कहा गया 3 स्टूडेंट्स जो हैं वो चीटिंग करते पकड़े गए हैं। उनके खिलाफ़ जो केस वगैरह एफआईआर हो गई है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जिसमें से एक स्टूडेंट जो है वो किसी की जगह गया था पेपर देने के लिए, वो वहाँ से भाग गया ऐसे कहा गया। दूसरा जो स्टूडेंट था वो मोबाइल यूज़ कर रहा था, तीसरा ब्लूटूथ डिवाइस लेकर गया था। ये तीनों ही पकड़े गए थे और इन्वेस्टिगेशन चल रही है, एफआईआर हो चुकी है। ये अपडेट JKP बॉर्डर बटालियन को लेकर। और बाकी आपको बताना चाहूँगा, वोटिंग चल रही है अभी भी टेलीग्राम पर, डिस्ट्रिक्ट वाइज वोटिंग चल रही है, और JK लेटेस्ट इन्फो यूट्यूब चैनल पर ओवरऑल वोटिंग चल रही है। अगर आपने अभी तक वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, वहाँ पर जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं जॉब अपडेट की। देखो, जॉब अपडेट ये है, DRDO की तरफ से है, CPTM इनकी तरफ से अपडेट निकाला गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट है। लगभग 1,000 से थोड़ी ज़्यादा वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, 7 दिसंबर के हिसाब से एलिजिबिलिटी आपकी देखी जाएगी। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, 7 नवंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, आप अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो, और 7 दिसंबर आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। यानी कि 7 नवंबर से 7 दिसंबर तक आपको टाइम दिया गया है अप्लाई करने के लिए। और इंपॉर्टेंट डिटेल्स, क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, अगर आप JTO के लिए अप्लाई करना चाहते हो, डिग्री वगैरह है, बैचलर्स डिग्री है, तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ग्रुप बी की पोस्ट है, 30 साल से ज़्यादा एज लिमिट आपकी नहीं होनी चाहिए। दूसरी दोस्त स्टेनोग्राफर की बात करेंगे, डिग्री है, बैचलर्स ग्रेजुएशन वगैरह करी है और टाइपिंग स्पीड अच्छी है, अप्लाई कर सकते हो। ग्रुप बी की पोस्ट है, यहाँ पर भी 30 साल से ज़्यादा एज लिमिट आपकी नहीं होनी चाहिए। ये होगी ग्रुप बी वाली पोस्ट। अब हम चलते हैं ग्रुप सी की पोस्ट की बात करेंगे, स्टेनोग्राफर की। यहाँ पर भी है ग्रेड सेकंड की, जहाँ पर आप 12वीं पास हो तो स्टेनोग्राफर की ग्रेड सेकंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे एज लिमिट है 18 से लेकर 27 साल तक, बाकी रिलैक्सेशन अलग से होती है। ये भी ग्रुप सी की वैकेंसीज अगर हम इनकी बात करेंगे। उसी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की बात करेंगे, 12वीं पास हो अप्लाई कर सकते हो, एज लिमिट सब जगह सेम ही देखने को मिल रही है, ग्रुप सी की पोस्ट है। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट अगर हिंदी टाइपिंग की बात करेंगे, 12वीं पास अप्लाई कर सकते हो। अगर हम स्टोर असिस्टेंट की बात करेंगे, उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो, 12वीं पास होने चाहिए। स्टोर असिस्टेंट हिंदी की बात करेंगे, वहाँ पे भी 12वीं पास हो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। सिक्योरिटी असिस्टेंट की बात करेंगे, अगर आप 12वीं पास हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। 18 से लेकर 27 साल तक एज लिमिट यहाँ पर मांगी गई है। उसी तरीके से व्हीकल ऑपरेटर की बात करेंगे, अगर आप 10वीं पास हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह होना चाहिए, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। फायर इंजन ड्राइवर की अगर हम बात करेंगे, 10वीं पास हो तो आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो। फायरमैन की बात करेंगे, 10+2 का सर्टिफिकेट वगैरह है, वो सेकेंडरी पास हो तो आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो। तो ग्रुप सी की वैकेंसीज ये आपको देखने को मिल रही होंगी। तो इतना आपको समझ आएगा, 10वीं पास 12वीं पास ग्रेजुएट वगैरह हो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। टोटल वैकेंसीज की बात करेंगे, 1,061,061 वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। बाकी एज लिमिट बता दिया है आपको, इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह आपको बता दी है, और इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या रहने वाला है हम वो डिस्कस कर लेते हैं। बाकी पूरे का पूरा PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। जब आप अप्लाई करोगे, अप्लाई करने की फी 100 रुपीज़ है, जबकि वुमेन की बात करोगे, SC ST एक्सेवरेशन PWD की बात करेंगे, इनके लिए वो भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखी गई है। अगर किसी के लिए एप्लीकेशन फ़ी है, जैसे जनरल EWS की बात करेंगे, वो भी मैक्सिमम 100 रुपीज़ की यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है। एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पर रहने वाला है, ये सारे एग्जामिनेशन सेंटर हैं। जहाँ पर जम्मू कश्मीर वालों की बात करें, तो आपको यहाँ पर जम्मू में भी एग्जामिनेशन सेंटर यहां पर देखने को मिल रहा होगा। अप्लाई आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाके अप्लाई करना है, DRDO.gov.in इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वहां पे जाके अप्लाई वगैरह कर सकते हो। और यहां पर कहा गया, अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हो तो वो भी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो, अगर आप एलिजिबल वगैरह होंगे। और बाकी फिजिकल फिटनेस का बताया गया, हाइट कितनी होनी चाहिए, चेस्ट कितनी होनी चाहिए, मेडिकल स्टैंडर्ड्स बताया गया है, रनिंग वगैरह मेल के लिए कितनी है, फीमेल के लिए कितनी है, वो सारी डिटेल्स भी यहां पर आपको देखने को मिल रही होंगी। तो रनिंग की डिटेल्स वगैरह भी यहां पर दी गई हैं। बाकी रिलैक्सेशन वगैरह भी यहाँ पर बताया गया है, तो अगर किसी की एज 40 ईयर से ज़्यादा है, उसके हिसाब से रिलैक्सेशन वगैरह भी, सिलेक्शन प्रोसेस आपको समझ आ गया, पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा, फिर फिजिकल वगैरह आपको होने वाला है। तो CBT की बात करेंगे, कैसे होने वाला है, 40 क्वेश्चंस जो हैं आपके जनरल हिंदी के रहेंगे, 40 क्वेश्चंस इंग्लिश के रहने वाले हैं। मार्क्स आपके सामने आपको देखने को मिल रहा होगा, डिपेंड करता है आप कौन सी टाइपिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो। दूसरी तरफ 75 क्वेश्चंस एप्टीट्यूड रीजनिंग वगैरह के रहने वाले हैं, इस तरह से आपको देखने को मिल रहा होगा, और डिस्क्रिप्टिव में ऐसे वगैरह रहने वाला है।
ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो भी आपसे वो डिस्कस कर लें, बाकी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। बस वीडियो को शेयर जरूर करना, पहली बार चैनल पर विजिट करें तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आपको पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, डिटेल में जाकर देख सकते हो, वोटिंग वगैरह भी वहाँ पर जाकर कर सकते हो। इसी अपडेट से करते हैं आज की वीडियो को एंड, मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।